आदरणीय प्रधान आचार्य जी एवं गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सभी यहाँ सबसे सम्मानित समारोह शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर यहाँ मौजूद सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 5 सितंबर इस दिन हमारे भारत देश का पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान विद्यावान, दार्शनिक, तत्वज्ञानी और आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। उनके शिक्षा के प्रति लगन और शिक्षकों के प्रति आदर को देखते हुए उनके जन्मदिन को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वही शिक्षक हमें सही और गलत का अंतर बांट कर हमारे चरित्र को निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति और प्रसिद्ध शिक्षक थे। उनके जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुत्तनी में 5 सितंबर 1828 को हुआ था। उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में स्वतंत्र भारत के पहला उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। इन्होंने 1962 में भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अच्छा लेखक भी थे। वर्षों तक देश के अपनी महान सेवा देने के बाद 17 अप्रैल 1900